हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं फ्रिडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड जो होती है उसे थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज करी हैं। ये छह टाइप की हम इसमें थ्योरीज कर चुके हैं, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने दो पार्ट किए थे, एक था फिशर्स वर्जन और एक था कैश बैलेंस अप्रोच, या फिर जिसे हम कैम्ब्रिज वर्जन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद केन्स वर्जन आया जिसकी बात हमने इस वीडियो में करी। उसके बाद हमने टॉबिन्स वर्जन की बात करी जो पोस्ट केन्शियन में आते हैं, और हमने बॉमल की बात करी जो कि पोस्ट केन्शियन में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट केन्शियन थ्योरी हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आज बात करेंगे फ्रिडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिमांड की। अगर आपने ये ऊपर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के, वहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें ये वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड बाय फ्रिडमैन, जिसे हम रीस्टेटमेंट भी कहते हैं, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। देखिए, फ्रिडमैन ने ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी। ओके, एक्चुअली हुआ क्या था, हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी है जिसमें पीटी इज इक्वल टू में एम बी होता है, यानी कि प्राइस लेवल को अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा मनी इन सर्कुलेशन मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी के। ओके, तो यहाँ पे इस थ्योरम ने क्या कहा था कि प्राइजेस और मनी सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही आप मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड, हमने कैश बैलेंस अप्रोच करी, उसमें भी हमने सेम देखा, ये के हमारा कॉन्स्टेंट था, ये पी था हमारा प्राइस लेवल, वाई था हमारा रियल इनकम, और जब पी को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्राइज को रियल इनकम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नॉमिनल इनकम आ जाती है, बिकॉज हमें पता है रियल इनकम क्या होती है, नॉमिनल इनकम डिवाइड बाई प्राइस, और जब ये प्राइस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे रियल इनकम से तो ये नॉमिनल इनकम आ जाएगी। तो ये पी वाई हमारी क्या है, नॉमिनल इनकम है, जबकि सिर्फ वाई क्या है, हमारी रियल इनकम है। ओके, और ये पी है हमारे प्राइजेस। तो यहाँ पे भी जैसे हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं हमारे प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी मनी सप्लाई और प्राइजेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि आप मनी सप्लाई इंक्रीज करिए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी और प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये मानना था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, चाहे हम फिशर्स वर्जन की बात करें चाहे हम कैश बैलेंस अप्रोच की बात करें। इन्होंने यही कहा था कि मनी सप्लाई और प्राइसेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी में और प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। वहाँ पे केन्स आए, केन्स ने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई ऑफ डिमांड मनी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड की इन्होंने बात करी। तो इन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डाउन चला जाता है। ओके, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डाउन है, यानी कि आप जैसा कि हम डिप्रेशन के केस में देखते हैं, मान लीजिए इकोनॉमी डिप्रेशन चल रहा है, अब मनी सप्लाई आप इंक्रीज करेंगे भी तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया था केन्स वाली थ्योरी में कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं जाता लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में, यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो चला जाए कि लोगों को लगने लग जाए कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग पैसा होल्ड करके रख लेते हैं। ओके, लोग पैसा खर्च नहीं करते, तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ती और प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते। तो केन्स ने क्या कहा, केन्स ने कहा कि मनी सप्लाई लो इंटरेस्ट रेट पर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ना तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी ना ही प्राइजेज इंक्रीज होंगे। ओके, तो केन्स का कहना था कि डिप्रेशन की जब सिचुएशन होती है या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब सिचुएशन होती है, ऐसे टाइम में मनी सप्लाई इंक्रीज करने से कोई फायदा नहीं होता। तो डिप्रेशन के केस में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो अगर आपने केन्स की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली थ्योरी करी है तो उसमें हमने देखा था कि केन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत जरूरी है डिप्रेशन के केस में। ओके, जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो इन्वेस्टमेंट से डिमांड इंक्रीज होगी बिकॉज लोगों की इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो इनकम बढ़ने से डिमांड इंक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होने से प्राइसेस इंक्रीज होंगे, बिकॉज डिमांड इंक्रीज होने से हम फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे और जैसे ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेंगे उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू कर देंगे। फ्रिडमैन ने क्या कहा, फ्रिडमैन ने कहा कि आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को मिसअंडरस्टूड कर दिया। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को मिसअंडरस्टूड किया है केन्स ने। मनी अफेक्ट द प्राइस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, मनी से जो है प्राइजेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफकोर्स अफेक्ट करती है, बिकॉज केन्स ने तो कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फेल हो रही है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं एक टाइम के बाद। फ्रिडमैन ने कहा आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों बढ़ती है। ओके, इसके साथ साथ फ्रिडमैन ने क्या कहा कि जैसा कि हम केन्स के केस में पढ़ते हैं कि
केन्स के केस में लोग स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी करते हैं, लोग अपने पास मनी होल्ड करके रखते हैं ताकि जैसे ही बॉन्ड के प्राइजेस कम हो वो बॉन्ड खरीद लें और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा लें। तो मनी इट्सेल्फ कोई रिटर्न नहीं दे रही, केन्स के केस में मनी खुद से कोई रिटर्न नहीं दे रही, मनी हम अपने पास रख रहे हैं, जैसे ही बॉन्ड के प्राइजेस कम हो रहे हैं हम बॉन्ड खरीद रहे हैं, उस बॉन्ड से हमें रिटर्न मिल रहा है, तो मनी इट्सेल्फ कोई रिटर्न हमें नहीं दे रही थी। फ्रिडमैन ने कहा कि मनी रिटर्न देती है। फ्रिडमैन अलाउड द रिटर्न ऑन मनी टू वैरी, मनी पे रिटर्न जो होता है वो वैरी करता है, इंक्रीज अबव जीरो यानी जीरो से ज्यादा होता है, मेकिंग इट मोर रियलिस्टिक देन केन्स अजम्पशन ऑफ जीरो रिटर्न। केन्स की जो अजम्पशन थी कि मनी कोई रिटर्न नहीं देती है इट्सेल्फ, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि मनी रिटर्न देती है, ठीक है। इसीलिए ये थ्योरी जो है केन्स से सुपीरियर भी मानी जाती है। इसके अलावा जब हम क्वांटिटी थ्योरी को पढ़ रहे थे जिसमें हमने कैश बैलेंस अप्रोच की थी, तो उसने क्या कहा था कि लोग अपने पास कैश को होल्ड करके रखते हैं, तो इन्होंने सिर्फ कैश मेन फैक्टर्स लिया था, ओके। बट फ्रिडमैन ने कहा कि सिर्फ कैश ओनली एसेट नहीं है, यहाँ पे अदर एसेट भी हैं जैसे कि बॉन्ड, जैसे कि इक्विटी, जैसे कि गुड्स जिसपे हमें रिटर्न मिलते हैं, ओके। तो ये जो थ्योरी है वो क्वांटिटी थ्योरी से भी सुपीरियर है, ये जो थ्योरी है केन्स की थ्योरी से भी सुपीरियर है। क्वांटिटी थ्योरी से क्यों सुपीरियर है? क्वांटिटी थ्योरी सिर्फ कैश की बात करती है, ओके। ये किसकी बात करते हैं? बॉन्ड, इक्विटी और गुड्स की। जबकि केन्स की थ्योरी क्या बात करती है? सिर्फ बॉन्ड एक एसेट मानती है, ओके। मनी से तो कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, रिटर्न किससे मिल रहा है? बॉन्ड से मिल रहा है, ओके। तो ये सिर्फ बॉन्ड्स को एसेट मानती है केन्स थ्योरी। फ्रिडमैन की थ्योरी क्या करती है? बॉन्ड को भी एसेट मानती है, इक्विटी को भी रिटर्न मानती है, गुड्स से भी रिटर्न मानती है, और इटसेल्फ मनी से भी रिटर्न मिलता है, ये हमारे फ्रिडमैन ने कहा था। तो इसलिए फ्रिडमैन थ्योरी जो हो जाती है वो सुपीरियर हो जाती है केन्स की थ्योरी से और क्वांटिटी थ्योरी से। और अब क्योंकि इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी का यूज करके ये थ्योरी बनाई थी, क्वांटिटी थ्योरी की अजम्पशंस को माना था, तो इसीलिए इसे हम रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी भी कह देते हैं। अब देखिए फ्रिडमैन की एक एस्से आता है 1956 में, अ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अ रीस्टेटमेंट, ओके। इस एस्से में उन्होंने क्या बात करी? उन्होंने कहा जो मनी डिमांड है वो टू टाइप की होती है। इन द फर्स्ट मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज, एक तो हम मनी को डिमांड करते हैं फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, जैसा कि ओल्ड क्वांटिटी थ्योरी में भी हमने बात करी थी। बट इन द सेकेंड टाइम मनी इज डिमांडेड बिकॉज इट इज एन एसेट, मनी इज डिमांडेड बिकॉज इट इज कंसिडर एज एन एसेट, मनी इसलिए भी डिमांड की जाती है बिकॉज इट सेल्फ ये जो है एक एसेट है। तो इसीलिए मनी को हम कैपिटल गुड भी मान सकते हैं, मनी इज एन एसेट और कैपिटल गुड, इट इज अ टेम्परेरी अबोड ऑफ परचेजिंग पावर। यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था कि इट इज मनी इज अ टेम्परेरी अबोड ऑफ परचेजिंग पावर, ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा यहाँ पे एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसे नोट जरूर कीजिएगा, ओके। तो मनी इज अ टेम्परेरी अबोड ऑफ परचेजिंग पावर यानी कि मनी आपको परचेजिंग पावर देती है, मनी इटसेल्फ एन एसेट है। तो इसीलिए मनी थ्योरी को हम कैपिटल और वेल्थ थ्योरी का एक पार्ट मान सकते हैं। तो डिमांड फॉर मनी थ्योरी जो है वो कैपिटल थ्योरी और वेल्थ थ्योरी का एक पार्ट है, ये फ्रिडमैन ने कहा था। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मनी को एज ए एसेट ले रहे हैं फ्रिडमैन, ठीक है, तो क्योंकि मनी को एज एन एसेट लिया जा रहा है तो मनी डिमांड जो है वो सेम जैसे हम किसी एसेट की डिमांड करते हैं, एसेट की डिमांड जिस पर डिपेंड करेगी मनी डिमांड भी उसी पर डिपेंड करेगी। फ्रिडमैन ने कहा कि मनी डिमांड जो है ना वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है, ओके। टोटल वेल्थ टू बी हेल्ड इन वेरियस फॉर्म, आपके पास कितनी वेल्थ है, जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उतनी मनी डिमांड होगी। जैसे हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, आपके पास वेल्थ ज्यादा होगी वो पर्सन ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, ओके। इसी तरह दूसरी चीज है प्राइस और रिटर्न फ्रॉम वेरियस एसेट, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदने जाते हैं तो उस पर प्राइजेस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो सेम इसका केस है, मनी डिमांड के केस में भी प्राइजेस मैटर करते हैं। एंड रिटर्न फ्रॉम वेरियस एसेट, कई बार हम जैसे मशीनरी खरीद रहे हैं कोई, वो हमें कितना रिटर्न देगी ये हम देखते हैं, इसी तरह ही मनी के केस में हम देखते हैं। तीसरी चीज है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ वेल्थ होल्डर, आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं तो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गुड्स या सर्विसेज खरीदेंगे। मनी डिमांड के केस में भी सेम है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ वेल्थ होल्डर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा मनी की डिमांड करेगा या कितनी कम मनी की डिमांड करेगा। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करती है मनी की डिमांड, सेम जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है, मनी की डिमांड भी इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। अब इसके बाद केन्स की एक बुक आई जो कि इन्होंने एनएच स्क्वाड्स के साथ लिखी थी, 1982 के आसपास ये बुक आई थी, मॉनेटरी ट्रेंड्स इन यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इन्होंने 1867 से 1975 तक इनकम प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट को स्टडी किया था, जबकि ओरिजिनल जो थ्योरी थी इनकी फ्रिडमैन की 1956 में जो एसे आया था उसमें उन्होंने कहा था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो थ्योरी ऑफ मनी डिमांड है, ना कि ये थ्योरी ऑफ प्राइजेज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इसमें इन्होंने प्राइजेज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात भी करी थी जो इनकी नेक्स्ट बुक आई थी। और इन्होंने एक इक्वेशन दी, वो क्या इक्वेशन थी? ये इक्वेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा, सिर्फ ये इक्वेशन ही इसमें मेन पार्ट है, ओके।
अभी ये क्वेश्चन क्या कहती है कि रियल डिमांड फॉर मनी, रियल डिमांड फॉर मनी का क्या मतलब है, नॉमिनल मनी डिमांड डिवाइड बाय प्राइसेस, नॉमिनल डिमांड फॉर मनी डिवाइड बाय प्राइसेस जो होते हैं वो होती है रियल डिमांड फॉर मनी। ओके याद रखिएगा। अब ये रियल डिमांड फॉर मनी ये किसका फंक्शन होता है या फिर ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है? एक तो ये डिपेंड करेगी रियल इनकम पे, यानी आपकी रियल इनकम जितनी ज्यादा है आप मनी डिमांड उतनी ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पे ये स्मॉल वाई दिया हुआ है, ओके कहीं जगह पे आपको ये कैपिटल वाई अपॉन में पी मिलेगा, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रियल इनकम की, और हमें पता है रियल इनकम क्या होती है, नॉमिनल इनकम डिवाइड बाय प्राइसेस। तो अगर आपको ऐसे लिखा है तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, या कैपिटल वाई अपॉन में पी लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो स्मॉल वाई लिखाया था, यहाँ पे वाई अपॉन में पी कैसे आ गया। वाई अपॉन में पी और ये स्मॉल वाई सेम ही चीज है, हम बात कर रहे हैं रियल इनकम की। तो किसी पर्सन की अगर रियल इनकम ज्यादा होगी तो वो डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा करेगा। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे आती है वो है ये डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन वेल्थ रेशो। देखिए नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन वेल्थ रेशो एक नई चीज जो है फ्रिडमैन लेके आए थे, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन वेल्थ को भी यहाँ पे कंसिडर किया था। अब ये क्या मतलब है, नॉन ह्यूमन वेल्थ क्या होती है, जो आपके पास गुड्स हैं, ठीक है, आपको गुड्स कह लीजिए या फिर रियल एस्टेट में या कहीं भी आपने पैसा लगाया हुआ है, ओके वहां से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी कि बेसिकली आपको आपकी वेल्थ से कितना रिटर्न मिल रहा है डिवाइड बाय ह्यूमन वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ क्या है, आपकी स्किल्स से कितना रिटर्न मिल रहा है, इस रेशो पे भी डिपेंड करती है डिमांड फॉर मनी। वो कैसे, देखिए आप जो अपनी स्किल से कमा रहे होंगे वो आप सिर्फ इनकम कमा रहे होंगे, यानी आपको कहीं से सैलरी आ रही है वो आप कमा रहे हैं स्किल से, ओके। आपकी वेल्थ क्या है, जो आपने अपना आज तक कमाई है, ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए कहीं पे आपने घर बना के वो रेंट पे दिया हुआ है, आपको वेल्थ से जो पैसा आ रहा है, तो आपकी इनकम वेल्थ से आ रही है या आपकी इनकम आपकी स्किल से आ रही है, ये बहुत डिपेंड करता है, ओके। जब स्किल से इनकम आएगी तो लोग क्या करते हैं, मनी डिमांड कम करते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपनी वेल्थ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लोग मनी डिमांड कम करते हैं, ओके। वहीं पे अगर आपकी वेल्थ ज्यादा है तो आप मनी डिमांड ज्यादा करेंगे, ये चीज याद रखिएगा। वेल्थ और स्किल रेशो का यहाँ पे बहुत रोल है, ठीक है, यानी कि नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन वेल्थ रेशो, अगर वेल्थ से आपको पैसा ज्यादा आ रहा है तो मनी डिमांड ज्यादा होगी, अगर आपको आपकी स्किल से पैसा ज्यादा आ रहा है तो मनी डिमांड कम होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्किल से पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले वेल्थ को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी वेल्थ बड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो ये नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन वेल्थ का नया कंसेप्ट दिया था फ्रिडमैन ने, तो इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे इनकम ज्यादा है आपकी रियल इनकम, मनी डिमांड आप ज्यादा करेंगे, तो यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है, नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन वेल्थ रेशो ज्यादा है तो आप मनी डिमांड ज्यादा करेंगे, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तीसरी चीज आती है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी, मनी पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, फ्रिडमैन ने टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट इसकी भी बात करी थी, ये सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहे हैं, तो टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट पे आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। रिटर्न जितना ज्यादा है रियल डिमांड फॉर मनी उतनी ज्यादा। यहाँ पे हम सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि आप अपने पास कितना पैसा रख रहे हैं, चाहे वो कैश फॉर्म में रख रहे हो चाहे आप अपने बैंक में रख रहे हो। तो यहाँ पे इन तीनों से डायरेक्ट रिलेशन होता है डिमांड फॉर मनी का, चाहे इनकम ज्यादा हो रही है आपकी तब आपकी डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, आपकी वेल्थ टू नॉन ह्यूमन वेल्थ रेशो ज्यादा है तो आपकी इनकम ज्यादा है। बेसिकली इसको वेल्थ टू नॉन ह्यूमन वेल्थ रेशो कह लीजिए, या बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं आपकी वेल्थ ज्यादा है तो आपकी डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, इसी तरह आपकी मनी पर रिटर्न ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा है। ये तो हो गई डायरेक्ट रिलेशन की बात। इनडायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, रिटर्न ऑन बॉन्ड, अगर आपको बॉन्ड पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप डिमांड फॉर मनी कम करेंगे, आप अपना पैसा बॉन्ड पे लगा देंगे। तो रिटर्न ऑन बॉन्ड ज्यादा है तो आपकी डिमांड फॉर मनी कम होगी, तो डिमांड फॉर मनी रिटर्न ऑन बॉन्ड पे भी डिपेंड करती है। इसी तरह नेक्स्ट केस है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आपको शेयर्स में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप डिमांड फॉर मनी कम करेंगे, आप इक्विटी में पैसा लगा देंगे, ओके। थर्ड चीज है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन फिजिकल एसेट, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, इसकी कई फॉर्म होती है, कहीं पे आपको ये ऐसे लिखा मिल जाएगा, कहीं पे आपको ये ऐसे लिखा मिल जाएगा, कहीं पे आपको ये ऐसे लिखा मिल जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट, मान लीजिए आपने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, ओके रियल एस्टेट में पैसा लगाया है आपने, एसेट खरीद लिया आपने, ठीक है, अब इस पर रिटर्न ज्यादा का क्या मतलब है, मान लीजिए रियल एस्टेट के प्राइसेस जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, आप मनी डिमांड उतनी ही कम करेंगे, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जमीन खरीदने में या घर खरीदने में लगाएंगे, क्योंकि आप ताकि उसे कल को महंगे दाम पे बेच सकें, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन फिजिकल एसेट जब ज्यादा होता है तो रियल डिमांड फॉर मनी कम होती है। तो इन तीनों के बीच में मैंने आपको बता दिया, रिटर्न ऑन बॉन्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट,
इनके और मनी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब ये रिटर्न ऑन एसेट ऐसे भी लिखा मिलेगा, रिटर्न ऑन फिजिकल गुड भी लिखा मिलेगा, ये जीडीई भी लिखा मिलेगा आपको, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। साथ में रियल एस्टेट पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, यानी कि रियल एस्टेट के आने वाले प्राइसेस जो है आने वाले टाइम में वो बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ओके। अब जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है मनी डिमांड वैसे भी कम होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसे इन्फ्लेशन भी कह रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, इन्फ्लेशन ज्यादा है इसका मतलब आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, मतलब आपके मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, ओके। तो आप मनी सेव करके नहीं रखेंगे, इससे अच्छा है आप मनी कहीं पे कुछ रियल एस्टेट खरीदने में या कुछ और गुड्स खरीदने में जिसका आप बाद में महंगे दाम में बेच सके उस पर लगा देंगे, ठीक है। तो हमने रियल एस्टेट पे पैसा लगा दिया बिकॉज हमें पता है आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ेंगी, ओके। तब इस इन्फ्लेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन में पी डी पी बाय डी टी। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है चेंज इन प्राइस, प्राइसेस में कितना चेंज आया, यानी कि डेल पी अपॉन में पी। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसे देखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन में डेल टी वन अपॉन में पी, या फिर इसे वन अपॉन में पी डी पी बाय डी टी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन अगर लिख रहे हैं वन अपॉन में पी डी पी बाय डी टी लिख रहे हैं, मतलब कि प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, या फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज पर रिटर्न लिख रहे हैं, तो सारी सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन फिजिकल एसेट, इसका मतलब है कि हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हमने खरीद के रखी हुई हैं ताकि हम उन्हें कल को महंगे दाम पे बेच सकें, उन पे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर उन पे रिटर्न ज़्यादा है तो मनी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है यू, यानी कि यूटिलिटी और टेस्ट और प्रेफरेंस। ये भी एक नई चीज़ फ्रिडमैन ने ऐड करी थी। इसका क्या मतलब है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, बेसिकली आप किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज कैसी है, उस हिसाब से मनी डिमांड डिपेंड करेगी। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब आप ट्रैवल करते हैं आप ज़्यादा कैश रखने की कोशिश करते हैं अपने पास, तब मनी डिमांड ज़्यादा होगी। मान लीजिए वॉर टाइम चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम भी आप कैश अपने पास ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम मनी डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस यू वेरिएबल को हम यूटिलिटी भी कह लेते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कह लेते हैं, और इसको अदर वेरिएबल भी कह लेते हैं। तो अगर कहीं पे अलग अलग टर्म यूज करी है तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली इसका क्या मतलब है ये मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब कहीं पे ये इक्वेशन में यहाँ पे पी भी लिखा मिलता है, ओके, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम अपॉन पी की, यानी कि हम रियल डिमांड ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। अगर ये पी इधर चला जाएगा तो हम नॉमिनल डिमांड ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है एम इज इक्वल टू में फंक्शन ऑफ पी वाई डब्ल्यू, ठीक है। तो आपने इस पी से कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यहाँ पे एम अपॉन में पी है तो यहाँ पी नहीं मिलेगा आपको, ओके तो यहाँ पे P मिलेगा तो यहाँ पे सिर्फ M मिलेगा। Y, W, रिटर्न ऑन मनी, रिटर्न ऑन बॉन्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन गुड्स, GP भी मिला लिखा मिल सकता है आपको, GD भी लिखा मिल सकता है, या फिर मैंने आपको बताया वन अपॉन में P, DP अपॉन में DT भी लिखा मिल सकता है, ओके इसे यहाँ पे ये रिटर्न ऑन फिजिकल एसेट कह लें, रिटर्न ऑन गुड कह लें, या फिर इन्फ्लेशन कह लें, सेम ही बात है, ओके उसके साथ आपको लिखा मिलेगा U, U का मतलब है यूटिलिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या फिर अदर वेरिएबल। तो आई होप आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि मनी डिमांड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम कैश बैलेंस अप्रोच करते हैं एम इज इक्वल टू में के पी वाई, ठीक है, मनी सप्लाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्राइजेस के, और ये के हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये के क्या है, दैट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो लोग अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं इन कैश फॉर्म, कैश बैलेंस अप्रोच में हमने ये पढ़ा है, ओके। वहीं पे हमने जब ट्रांजेक्शन अप्रोच का इनकम वर्जन करा था तो एम बी इज इक्वल टू में पी टी की जगह पी वाई हो गया था, मैंने आपको बताया था कि पी वाई क्या है, हमारी नॉमिनल इनकम है, ओके नॉमिनल इनकम क्यों, रियल इनकम मल्टीप्लाई विद प्राइजेस। तो यहाँ पे भी क्या था, मनी सप्लाई और प्राइजेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था। यहाँ पे के और वी जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इस के को इधर ले जाए तो ये एम अपॉन में के हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एम वी है, तो हम कह सकते हैं वी जो है वन अपॉन में के होता है, ओके। तो ये चीजें यहाँ पे कॉन्स्टेंट थी हमारे पास, लेकिन फ्रिडमैन ने कहा कि ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इनकम का वो प्रोपोर्शन जो लोग अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं ये कांस्टेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है बॉन्ड पे कितना रिटर्न मिल रहा है, इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है, और फिजिकल एसेट पे यानी गुड्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये के जो फंक्शन है ये इन तीनों का फंक्शन होता है, तो ये के या फिर वेलोसिटी जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो जैसे ही आप मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे या तो ये के बढ़ेगा यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी, या फिर ये वाला फंक्शन बढ़ेगा यानी लोगों की इनकम बढ़ेगी नॉमिनल, ओके। तो या तो लोग होल्ड करके ज्यादा पैसा रखेंगे या फिर लोगों की नॉमिनल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से मनी डिमांड का ये पोर्शन इंक्रीज होगा, ओके। अब ये कितना इंक्रीज होगा ये डिपेंड करता है इन चीजों पर, इन तीन चीजों पर जिसकी मैंने बात करी थी,
ओके अब एक चीज में और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रिडमैन ने कहा था ये मनी डिमांड फंक्शन जो है ना ये एक स्टेबल फंक्शन है, ठीक है। इस स्टेबल फंक्शन का मतलब वो मान लेते हैं कि मनी डिमांड कॉन्स्टेंट रहेगी, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये के भी चेंज होगा और ये नॉमिनल इनकम भी चेंज होगी। देखिए मनी डिमांड फंक्शन स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि मनी डिमांड कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत बुक्स में लिखा हुआ है मनी डिमांड फंक्शन स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि मनी डिमांड कॉन्स्टेंट रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रिडमैन एक्सेप्ट द एम्पिरिकल हाइपोथेसिस दैट डिमांड फॉर मनी इज हाईली स्टेबल, जो डिमांड फॉर मनी है वो स्टेबल है। इट डज नॉट मीन दैट रियल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, रियल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, रियल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट और द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मैंने आपको बताया था इस के की बात या फिर वेलोसिटी की बात जो हम कर रहे हैं, इज टू बी रिगार्डेड एज न्यूमेरिकली कॉन्स्टेंट ओवर टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या मनी डिमांडेड को कॉन्स्टेंट मान ले। मनी जो स्टेबल फंक्शन है इसका मतलब ये है कि फंक्शनल रिलेशन जो है क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड और इसके वेरिएबल के बीच में वो स्टेबल है, यानी कि मनी डिमांडेड एंड इसके जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ये कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मनी डिमांड कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इनके बीच में जो रिलेशन है ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि इनके बढ़ने से ये बढ़ेगा और इनके बढ़ने से ये घटेगा, तो ये रिलेशन कॉन्स्टेंट है ना कि मनी डिमांड कॉन्स्टेंट है। ओके अब एक और चीज कि मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से या तो ये के बढ़ेगा या फिर ये बढ़ेगा या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। ओके डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यू कितनी है, यानी रिटर्न ऑन बॉन्ड कितना मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिल रहा है या फिर रिटर्न ऑन फिजिकल एसेट कितना मिल रहा है। तो इसे डायग्राम के थ्रू भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पे हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी ली है, ओके नॉमिनल इनकम ली है। डिमांड फॉर मनी हम मान लेते हैं कि ये हमें दी हुई है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि डिमांड फॉर मनी हमें दी हुई है, ये मनी सप्लाई कर्व है हमारी M1। ओके तो यहाँ पे हमने नॉमिनल इनकम ली है। नॉमिनल इनकम क्या होती है, प्राइजेस इनटू में रियल इनकम, ठीक है। तो ये हमारी नॉमिनल इनकम आ गई बिकॉज यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं। जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो केन्स ने जो रिजेक्ट किया था कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते, फ्रिडमैन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मनी सप्लाई आप इंक्रीज कीजिए, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, नॉमिनल इनकम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनल इनकम हमारी इंक्रीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमारी नॉमिनल इनकम चेंज हो रही है, यानी कि पी इंटू वाई चेंज हो रहा है, यानी प्राइसेस भी चेंज हो रहे हैं और रियल इनकम भी चेंज हो रही है। अब रियल इनकम और प्राइसेस के बीच में भी हम रिलेशन दिखा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल ले लिया, एक्स एक्सिस पे रियल नेशनल इनकम ले ली। तो ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर, ये हमारा प्राइस लेवल और ये हमारी रियल नेशनल इनकम। इस इनकम या आउटपुट पे हम इस प्राइसेस पे हैं। तो जैसे ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई आप इंक्रीज करेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने से हमारा आउटपुट और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि हमारी नॉमिनल इनकम जो है इंक्रीज होगी, यानी कि पी भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो पी वाई इंक्रीज हमारा हो जाएगा। तो फ्रिडमैन ने कहा था ये बात बिल्कुल सही है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से के भी इंक्रीज हो सकता है, जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने कॉन्स्टेंट माना था, लेकिन इन्होंने कहा यह कॉन्स्टेंट नहीं है, के कह लीजिए या वी कह लीजिए, ये कॉन्स्टेंट नहीं है। हाँ ये प्रिडिक्टेबल जरूर है, आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे, रिटर्न ऑन बॉन्ड से, रिटर्न ऑन इक्विटी से और रिटर्न ऑन गुड्स से या फिर रिटर्न ऑन एसेट से, ठीक है। और आप मनी सप्लाई इंक्रीज करिए, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी और प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। तो मनी सप्लाई पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये हमें फ्रिडमैन ने बताया था। आई होप आप लोगों को इक्वेशन भी मनी डिमांड वाली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की। फ्रिडमैन का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था, क्यों हुआ था, देखिए एक तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन को इग्नोर कर दिया, इन्होंने इग्नोर कर दिया कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को चेंज करने में इंटरेस्ट रेट का रोल होता है, जो कि केन्स ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा इन्होंने कहा मनी सप्लाई जो है वो एक्सोजीनियस है। देखिए मनी डिमांड तो हमें पता लग गया किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, मनी सप्लाई इन्होंने कहा एक्सोजीनियस है, ये किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, ये सेंट्रल बैंक पर डिपेंड करती है, सेंट्रल बैंक जैसा चाहेगा मनी सप्लाई कर लेगा। ओके साथ ही मैं आपको बता दूं हमने क्या लिखा, एम इज इक्वल टू में के आर बी आर ई और जी पी मल्टीप्लाई विथ प्राइस इंटू वाई, यानी मनी सप्लाई इंक्रीज करने से आप इसे भी इंक्रीज कर रहे हैं और इनको भी इंक्रीज कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने अदर वे अराउंड नहीं प्रूव किया, यानी कि इसने ये नहीं बोला कि प्राइजेस के इंक्रीज होने से या इनकम के इंक्रीज होने से लोग ज़्यादा मनी डिमांड कर रहे हैं। तो अब मनी डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक इससे अफेक्ट होकर मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, तो इस फैक्टर का इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये इसने बात नहीं करी। साथ ही इसने कहा मनी सप्लाई जो है एक्सोजीनियस डिटरमाइंड है, ये सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करती है, ना ये प्राइसेस पे डिपेंड करेगी, ना ये नॉमिनल इनकम पे डिपेंड करेगी या रियल इनकम पे डिपेंड करेगी, ना ये के पे डिपेंड करेगी। तो
तो इस बात के लेके भी इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था। साथ में इन्होंने कहा कि ये टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, तो इनके क्रिटिक्स ने कहा कि टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने पैसा इक्विटी में लगाया हुआ है, ओके, लेकिन आपको लग रहा है कि बॉन्ड में ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो इक्विटी से पैसा बॉन्ड में सारा ट्रांसफर करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम फैक्टर को इन्होंने कंसिडर नहीं किया। साथ में इन्होंने उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी कंसिडर नहीं किया जो आप वेल्थ को शिफ्ट करने में लगाएंगे, यानी कि अगर आपने इक्विटी से पैसा बॉन्ड में लगाना है या बॉन्ड से पैसा निकाल के इधर लगाना है तो उसमें आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कुछ आएगा, उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया गया था। साथ में इन्होंने क्या किया था, मनी में टाइम डिपॉजिट को भी ले लिया था। मैंने आपको बताया इन्होंने मनी में किसको लिया था, टाइम डिपॉजिट को भी लिया था, डिमांड डिपॉजिट को भी लिया था, जबकि इनके क्रिटिक्स का कहना था कि टाइम डिपॉजिट को मनी कंसिडर नहीं करना चाहिए। टाइम डिपॉजिट को हम नियर मनी कह सकते हैं लेकिन टाइम डिपॉजिट को हम मनी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके विड्रॉल में डिपॉजिटर का कुछ इंटरेस्ट लग जाता है, इसके विड्रॉल में कुछ पैसा लोग डिपॉजिटर का लग जाता है। ठीक है, आप समय से पहले अगर अपना पैसा निकाल रहे हैं तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे मनी कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था कि रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन वेल्थ, एक तो ये वाला पार्ट एंड अदर फैक्टर यू, जिसे हमने टोटल यूटिलिटी या फिर हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस या अदर वेरिएबल का नाम दिया था, ये जो फैक्टर है ये सब्जेक्टिव फैक्टर है और इनको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए इनको कंसिडर करना सही नहीं है। तो फ्रिडमैन का इन सब बातों को लेके क्रिटिसिज्म किया गया था। आई होप आप लोगों को फ्रिडमैन की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।